स्टूडेंट्स, हमें जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है. फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर एन. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. हमें एक फार्मूला पता है बाइनोमियल थ्योरम का कि अगर हम 1 प्लस एक्स है हमारे पास, 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर एन, इसका एक्सपेंशन होता है एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन टू एन सी एन एक्स रेज टू द पावर एन. राइट, इसी तरह हम जो है इसको इस फॉर्म में लिखेंगे. पहले वन प्लस एक्स की फॉर्म में लिख लेंगे इसको. वन प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर एन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास वन प्लस एक्स, एक्स कॉमन निकाल लिया, वन प्लस एक्स होल रेज टू द पावर एन. ये हमारे पास आ गया वन प्लस एक्स की फॉर्म में. अब इसको जो है एक्सपेंड करते हैं ये वाला फार्मूला लगा के. तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा हमारे पास एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन एक्स वन प्लस एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स होल का होल स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब वन प्लस एक्स का होल क्यूब प्लस. हम यहीं तक ले रहे हैं क्योंकि आगे के टर्म्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे हमसे सिर्फ जो है एक्स क्यूब तक ही पूछा है तो हम वहीं तक ही ले रहे हैं. राइट, इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं. अब हमें एक्स क्यूब कहाँ कहाँ मिलेगा आप खुद सोचो. हमें जो है एक्स क्यूब एक इसमें मिलेगा इस वाली टर्म में. राइट, और एक एक्स क्यूब जो है हमें इस वाली टर्म में मिलेगा. राइट, इसके इनके अलावा जितने भी टर्म हैं उन सब टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर देंगे और हमें जो कोफिशिएंट मिलेगा एक्स क्यूब का वो इन टर्म्स में मिलेगा. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू, अब हम ये दोनों टर्म ले लेते हैं सिर्फ, इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर एन इक्वल्स टू क्या होगा, सिर्फ ये दोनों टर्म्स में मिलेगा हमको. ये दोनों टर्म्स ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एन सी टू एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब वन प्लस एक्स का होल क्यूब. राइट, इसको एक्सपेंड कर लीजिए और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं. ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एन सी टू एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. राइट, ये आ जाएगा हमारे पास एन सी थ्री एक्स क्यूब ये एन सी थ्री एक्स क्यूब वन प्लस एक्स का होल क्यूब. इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए बी स्क्वायर. राइट, ये हमारे पास हो गया. यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को. अब आप देखिए कि एक्स क्यूब हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है. जब हम अंदर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स क्यूब आएगा. राइट, और हम जब इस वाले टर्म की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा एक्स क्यूब आएगा. राइट, अब हमें क्या करना है, बस ये लिखना है एन सी टू इस एक्स स्क्वायर इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर वाली टर्म से और बाकी टर्म्स को नेगलेक्ट कर देते हैं 2x. राइट, सिमिलरली एन सी थ्री एक्स क्यूब
ये हमारे पास हो गया 2nc2x³ + nc³x³, राइट। अब कोफिशेंट ये होगा, ठीक है, एक्स क्यूब का कोफिशेंट ये आएगा, एक्स क्यूब कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 2nc2 + nc³, राइट। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका सॉल्व करेंगे जब हम तो हमारे पास आएगा n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, प्लस हमारे पास इधर आएगा n का फैक्टोरियल n माइनस 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल, राइट। फॉर्मूला तो पता होगा आप लोगों को। इसके बाद एक्स क्यूब, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 ये आ जाएगा हमारे पास n, n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास है n माइनस 2 का फैक्टोरियल, से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास 2 का फैक्टोरियल, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमारे पास इधर आएगा n, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन में आएगा हमारे पास n माइनस 3 का फैक्टोरियल, से कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल को हम लिख लेंगे 3.2.1, राइट। ये हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आएगा, अब हमारे पास इधर क्या बचा, n n माइनस 1, राइट, हमारे पास बचा, हमारे पास बचा n n माइनस 1, राइट। और ये हमारे पास जो इधर था, इधर हमारे पास बचा n n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 6, राइट। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो इस वाली टर्म को हम फर्दर सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ से ये है और ये है, ये वाला टर्म जो है हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं n n माइनस 1, राइट। ये 1 आएगा, यहाँ पर आएगा n माइनस 2 अपॉन 6, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा n n माइनस 1 n प्लस 4 अपॉन 6, तो ये हमारे पास जो है कोफिशेंट आ गया किसका, एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का कोफिशेंट आ गया जब हमने इसको एक्सपेंड करा, राइट। तो